नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। फौजी के बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के आभूषण सहित 55,000 की नकदी ले उड़े चोर। थाना मलपरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित मौजा एटोरा मनोहर धाम कॉलोनी में चोरों ने फौजी के बंद मकान को निशाना बना लिया। चोर 55,000 की नकदी सहित 8.5 तोला सोना सहित अन्य कीमती सामान ले जाने में कामयाब रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कागरौल के अखवाई खेरिया निवासी योगेश सेना में जवान हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती झांसी के बबीना में है। वर्तमान में वह छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। योगेश पिछले कुछ समय से थाना मलपरा के इटौरा स्थित मनोहर धाम कॉलोनी में मकान बनाकर रह रहे हैं। बताया जाता है योगेश 2 दिन पहले अपनी ससुराल मुरैना मध्य प्रदेश किसी काम से बच्चों के साथ गए थे, तभी किसी कारणवश उन्हें वहां रुकना पड़ गया। सोमवार को वापस नहीं आ सके, इसी के चलते मंगलवार की सुबह पड़ोसियों ने गेट के ताले टूटे होने की सूचना दी। योगेश ने परिवार सहित घर आकर मौके पर देखा तो मेन गेट के साथ साथ कमरों के ताले हुए भी टूटे पड़े थे। वहीं अलमारी में रखे 55,000 की नकदी सहित 8.5 तोला सोने के आभूषण गायब थे। इसके साथ साथ योगेश ने बताया है लगभग 35,000 रुपये के अन्य कीमती सामान भी चोर आसानी से ले गए। चोरों ने योगेश के भगवान के मंदिर को भी खंगालने से नहीं छोड़ा। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ककुआ चौकी प्रभारी विदानचंद कुशवा अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में उन्होंने जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा करने की बात कही, वहीं फौजी की तहरीर पर मुकदमा लिखने की भी बात कही। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। मेरा नाम योगेश कुमार है। क्या करते हो? मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। कहाँ पे? बबीना यूनिट है झांसी के पास। अच्छा, क्या बताया जा रहा है चोरी हो गई? चोरी कल मैं परसों शाम को 4 बजे समथिंग अपनी ससुराल गया था, तो ससुराल में इनके बच्चों को घुमा लाऊं, काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने नई गाड़ी ली थी तो बच्चे बोले पापा वहाँ चल रहे हैं नानी के यहाँ। वहाँ से मैं कल परसों पहुँचा, कल भी दिन में रहा, कल आने का विचार था लेकिन नहीं आ पाई हम किसी कारण, बस बोला थोड़ा सा रुक जाओ। तो सुबह मेरे पास 6:30 बजे समथिंग फ़ोन पहुँचा मेरे घर से, उनके पास उन्होंने किसी को बताया होगा कि तुम्हारे घर में बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा, चोरी हो गई है। तो मैंने आके देखा तो मेरी पूरा मकान के ताले टूटे पड़े, समथिंग 55,000 रुपये मेरे नकद जा चुके हैं। 8.5 तोले सोना था, मेरी फैमिली का चीज़ वत थी, 2 ATM मेरे PNB और SBI के ATM भी ले गए, और समथिंग 35,000 की मेरी गिफ्ट थी जो मैं विदेश गया था तो वहाँ से लाया था। तो इतना आइटम चोरी हो गया मेरा। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, मैंने 112 नंबर पर नंबर बता के पुलिस भी बता दिया, और पुलिस भी जस्ट अभी पहुँची है। तो केस चोरी जो हुई है किस प्रकार हुई है? दीवार तोड़ी है मकान? नहीं, मकान के 2 ताले लगे थे, मेन गेट का एक इंटरेस्ट का, दोनों ताले तोड़ के अंदर अलमारी का लॉक तोड़े हैं, पूरे 4 सूटकेस, पूरा बेड, दोनों बेडों को निकाल के पूरा एक एक सामान करके उन्होंने चेक किया। पैसे किस लिए रखे थे घर पर? पैसे मैंने गाड़ी उठाई थी तो रजिस्ट्रेशन के मैं निकाल के लाया था, क्योंकि ATM आजकल निकल नहीं रहे कोरोना की वजह से, तो मैंने की रजिस्ट्रेशन कराना है, 57,000 का रजिस्ट्रेशन होना था, तो उसके लिए मैंने पैसे रखे थे। आपको जानकारी कितने बजे हुई? मेरे को समथिंग 6:30 बजे 6:25 के समथिंग मेरे को जानकारी मिली सुबह। इस समय मौजूद हूँ मेरे साथ थाना मलपरा की ग्राम पंचायत इटौरा के मनोहर धाम कॉलोनी में। आपको बता दें कि फौजी के बंद मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। चोर फौजी के मकान से जहां 55,000 की नकदी सहित 8.5 तोले सोने के आभूषण ले गए। ये देखिए घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, ये देखिए ये फौजी का बॉक्स रखा हुआ है, तो वहीं ये अलमारी है जिसके कब्जे देखिए किस प्रकार टूटे पड़े हुए हैं, और जिनसे वो 8.5
तोले सोना और 55,000 रुपये की नकदी ले जाने में कामयाब रहे। वहीं फौजी ने बताया है कि वो विदेश से कुछ मूवमेंट व्हील आए थे जिनकी कीमत लगभग 35,000 रुपये है, उन्हें भी चोर आसानी से अपने साथ ले गए। बता दें कि वो अपनी ससुराल गए हुए थे तभी चोरों ने बंद मकान को निशाना बना लिया। 55,000 रुपये फौजी ने अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए रखे थे और उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना था, इससे पहले ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जहां फौजी देश की सेवा के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, वहीं अपने घर की सुरक्षा भी नहीं हो पा रही है। फौजियों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। अब देख मिल जाए।